इस वक्त हम गाजीपुर के मोहनदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को आज पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जब उनका शव गाजीपुर के लिए लाया जाएगा तो इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो कब्रें हैं ये उनके परिवार से ही संबंधित है। जैसे ये इस कब्र की अगर हम बात करें तो ये सुबहानुल्ला अंसारी का कब्र है जो मुख्तार अंसारी के पिता है। उनके बगल में उनकी पत्नी यानी कि मुख्तार अंसारी की माँ को बताया जा रहा है। इसी तरह जो लाइन से अगर देखा जाए तो उनके परिवार से संबंधित उनके चाचा या अन्य जो भी लोग परिवार से रिलेटेड लोग हैं उनकी कब्रें हैं। और यहाँ पर मुख्तार अंसारी के लिए भी कुछ देर बाद कब्र खोदे जाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि वह कब्र कहाँ पर खोदी जाएगी इसको लेकर अभी डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि इसको डिसाइड सांसद अफजल अंसारी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी वो गम में है, घर पर है और घर से जैसे ही आएंगे और यहाँ खोदने वालों को निर्देश देंगे उसी उसके तत्काल बाद से जो भी कब्र खोदने वाले लोग हैं वो कब्र को खोदना शुरू कर देंगे। कब्र खोदने वाले यहाँ के जो लोगों से बात हुई है तो इन लोगों का कब्र जो है आम लोगों के अलावा जो है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनका कब्र जो है बगली साइड से खोदा जाता है ताकि शव जो है सुरक्षित रह सके। जी नाम बता दे अपना। जी मेरा नाम अफरोज अंसारी है। अंसारी साहब, आप इस समय जो कालीबाग के कब्रिस्तान में हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं? अभी तो हर त्योहार पर कोई इंतकाल करता है तो सर सफाई होता है, उसी हिसाब से हो रहा है सर सफाई। यहाँ के जो कब्रिस्तान के बारे में क्या बतलाएंगे, जो आपके पीछे जो मजारे हैं ये किन किन लोगों की? जी जी, मुख्तार अंसारी के सभी परिवार के लोग हैं, इनके अब्बू हैं, इनकी अम्मी हैं, चचा है, चाची हैं, सब घर के लोग हैं। ऐसे में आज जो उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो इसी कब्रिस्तान में किए जाने की बात जी जी, तो क्या कोई जगह निश्चित की गई है? नहीं, अभी तक तो जगह नहीं निश्चित की गई, सांसद अफजल अंसारी जी करते हैं जी। तो जो साफ सफाई चल रही है क्या वो निजी तौर पर चल रही है या नगर पालिका आदि द्वारा कराया जा रहा है? नहीं, निजी तौर पर। निजी तौर पर मतलब नगर पालिका किसी तरह की मतलब सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है? कहा नगर पालिका भी लोग आते हैं बाहर और अभी तक जैसा कि जो कि इनके परिवार के जो कब्रें होती हैं उस कब्र के बारे में क्या बताएंगे, किस तरह कब्र होती है? जी, इनके कब्र को खाना जाता है, वो खनने के बाद बगली कहा जाता है जी, ऐसे अंदर की तरफ 1.5-2 फुट खाना जाता है जी। तो बगली कब्र, बगली का खनने का उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो गहराई होती है नीचे की 3-4 फुट जो भी हो तो वो डायरेक्ट होती है और बगली उसमें नीचे जाके खन दिया जाता है कि वो जमीन पूरा मोटी रहे, उसमें सेफ रहे, मतलब बाड़ी जो सुरक्षित रहे, बाड़ी से जानवरों का भी जी जी डर न रहे। अनिल कुमार, एबीपी न्यूज, गाजीपुर।